देखते रहिए आज की पहल टीवी मुंगावली से जय कुमार साहू की रिपोर्ट। आज 4 जनवरी को जिला अशोकनगर की चारों परियोजना के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अशोकनगर की आंगनबाड़ी में तालाबंदी कर अपनी लंबित जायज मांगों को लेकर प्रांतीय आवाहन पर मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। जिले भर से आई लगभग 1200 कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से रैली निकालकर स्थानीय मांगों के संबंध में भी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष सुनीता विश्वकर्मा ने बताया कि यदि सरकार हमारी मांगों का निराकरण 14 दिवस में नहीं किया तो 23 जनवरी से 28 जनवरी तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेगी तथा 7 दिन तक आंगनबाड़ी में तालाबंदी की जाएगी। इसके बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहा है अभी तो ये हमारी लड़ाई है आगे।